घोटाले में ईडी के एक्शन पर राजनीति तेज है, तो इस राजनीति के मद्देनजर किस तरह से आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है वो भी हम आप तक पहुंचाएं। लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर तो ये है कि 4 अगस्त तक अब ईडी के शिकंजे में रहेंगे संजय राउत। वो संजय राउत जो कह रहे हैं कि ईडी और दूसरी जो जांच एजेंसियां हैं उनका दुरुपयोग किया जा रहा है। देखिए उससे पहले की तस्वीरें सामने आई, क्योंकि लगातार शिवसेना, संजय राउत, उद्धव ठाकरे ये समझ रहे थे कि अब जिस तरह की स्थितियां बन रही है कभी भी ऐसा हो सकता है कि उनकी गिरफ्तारी हो जाए। और ऐसे में अब देखिए जब उनकी पेशी हुई पीएमएल कोर्ट में तो उनको जब बाहर लाया गया तो ये जानकारी मिली कि 4 अगस्त तक अब वो ईडी की कस्टडी में रहने वाले हैं। संजय राउत के मैत्री बंगले पर ईडी की टीम ने छापेमारी की, क्योंकि संजय राउत जांच में सहयोग नहीं कर रहे थे। सबसे पहले लोग कहते हैं टीवी सीरियल सिर्फ महिलाओं के लिए ही बनाई जाती है, आप उसे बदल दो। सफल महिलाओं से सफलता का पाठ पढ़िए। फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। पात्रा चौल जमीन घोटाले में संजय राउत को 28 जून को ईडी ने तलब किया था लेकिन वो नहीं पहुंचे। लेकिन गिरफ्तारी की नौबत आई तो संजय राउत 1 जुलाई को ईडी के सामने पेश हुए। इसके बाद संजय राउत को 20 और 27 जुलाई को ईडी ने बुलाया लेकिन वो पेशी के लिए नहीं पहुंचे। संजय राउत ने पहले संसद के मॉनसून सत्र और फिर राष्ट्रपति चुनाव का हवाला देकर पेशी से छूट की मोहलत मांगी थी, लेकिन अब ईडी की छापेमारी को शिवसेना ने राजनीति से प्रेरित कार्रवाई करार दिया है। देश में हजारों लोगों पर ईडी के केसेस चल रहे हैं, उन्हें समन्स भेजे जाते हैं 2 बार 4 बार 10 बार, लेकिन ईडी किसी के घर में चली जाती है? ऐसा होता नहीं। यह घटना पूरी तरह से राजनीतिक से प्रेरित है। जबकि बीजेपी का कहना है कि अगर संजय राउत ने कुछ गलत नहीं किया तो डर कैसा? डर किस बात का? यदि शिवसेना नेता ने कुछ गलत पैसों की धांधली नहीं की है तो ईडी अफसरों ने जब उन्हें जांच के लिए बुलाया 3 दिन पूर्व, वे क्यों नहीं गए? अफसरों के सवाल बचने का क्या कारण? उनके पास सुबह दोपहर शाम पत्रकार वार्ता करने के लिए समय है, पर ईडी के अफसरों के सवालों का जवाब देने के लिए उनके पास समय नहीं है। क्या देश इस बात की सच्चाई नहीं जानता? ये बदला हुआ भारत है। ईडी के सूत्रों के मुताबिक तलाशी के दौरान संजय राउत के घर से कई अहम दस्तावेज बरामद किए गए हैं, जिससे 1034 करोड़ के घोटाले से जुड़े कई बड़े राज पर्दाफाश हो सकते हैं। तो संजय राउत की गिरफ्तारी को बीजेपी ने सच की जीत कैसे बताया है और क्या और रिएक्शंस आए हैं, आइए सुन लेते हैं। से विपक्ष को टारगेट किया जा रहा है, पॉलिटिकल वेपन बन चुका है। मेरे ही पार्लियामेंट्री क्वेश्चन में दिखाया गया है कि पूरे 2014 से लेकर 2014 के कंपैरिजन में 8 साल में 27 गुना बढ़ोतरी हुई है ईडी समन्स में और ईडी नोटिसेज में, और कन्विक्शन रेट क्या है 0.5%। उस चीज से स्पष्ट हो जाता है ये लोग कोई फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी नहीं ला रहे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के पॉलिटिकल वेपन बन चुके हैं विपक्ष की ओर। तो अभी आप सुन रहे थे शिवसेना की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी को, जो बता रही थी कि किस तरह से केंद्र के जरिए जो एजेंसियां हैं जांच में जो शामिल रहती हैं उन्हें सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक हथकंडे के तहत इस्तेमाल किया जा रहा है और जिस तरीके से वो अपना काम करें ऐसा नहीं होने दिया जा रहा है, ऐसा सीधा आरोप है शिवसेना की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी का, जो इस पूरे मामले को लेकर बता रही हैं कि साजिशन संजय राउत पर कार्रवाई की गई है। लेकिन तथ्यों के लिहाज से अगर देखें तो पूरे मामले में किस तरह से ईडी को तथ्य मिले हैं और उसके बाद पुलिस और ईडी जो है वो अपनी कार्रवाई को आगे बढ़ाने में जुटी हुई है, उसके तहत ही जो कोर्ट में पेशी हुई है तो ईडी ने अपने पक्ष को रखा और इसी आधार पर उन्हें कस्टडी भी मिली है संजय राउत की 4 अगस्त तक। किरीट सोमैया ने क्या कहा है सुनिए। वास्तव में संजय राउत के ऊपर 3 फौजदारी केसेस कार्रवाई शुरू हो चुकी है, आगे और कितने हो गए सब दबा के रखे थे दबाव में। मेधा किरीट सोमैया मानहानि का डिफेमेशन केस में संजय राउत गिरफ्तार हो चुके हैं।
आखिरकार लंबी तफ्तीश के बाद शिवसेना नेता की गिरफ्तारी हो गई। विधि का विधान है, जो जैसे करेगा वैसे होगा। यह नया बदला हुआ भारत है, भारत का कानून और मजबूत लोकतंत्र है। यहां राजा हो या रंग हो, नेता हो या अभिनेता हो, यदि जनता की कोई लूट करता है, कानून को कोई तोड़ता है, तो उसकी जगह जेल के सलाखों के पीछे। और संजय राउत के बाद उन लोगों पर भी गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है जो पात्रा चौल जमीन घोटाले में शामिल है, क्योंकि संजय राउत के घर छापेमारी के दौरान ईडी को कई अहम जानकारियां मिली हैं, दस्तावेज भी मिले हैं। और अब मुमकिन है कि जब इन्वेस्टिगेशन होगी ईडी की संजय राउत से और 4 अगस्त तक वो कस्टडी में है, तो मुमकिन है कि कई और नामों का भी खुलासा हो सकता है। जैसे में हाल फिलहाल में जिक्र किया जा रहा है कि संजय राउत के 2 ऐसे दोस्त हैं जो बेहद करीबी हैं उनके, उनके भी नाम सामने आ रहे हैं और उनसे जुड़ी हुई परिवार की जो महिलाएं हैं उनके नाम भी सामने आ रहे हैं। ऐसे में संजय राउत के गिरफ्तारी के बाद अब तलवार उन लोगों पर भी लटक रही है जो संजय राउत के करीबी हैं, जो पात्रा चौल जमीन घोटाले में शामिल है। जानकारियां आ रही हैं संजय राउत के घर छापेमारी के दौरान ईडी को कई ऐसी जानकारियां हासिल हुई हैं, दस्तावेज मिले हैं, जिसके आधार पर यह कार्रवाई आने वाले दिनों में मुमकिन होगी। महाराष्ट्र में कैसे 1034 करोड़ का घोटाला हुआ और उसमें संजय राउत का नाम सामने आया, इसे समझना भी जरूरी है। साल 2007 में महाराष्ट्र हाउसिंग एंड एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी माडा की तरफ से गुरु आशीष कंस्ट्रक्शन कंपनी को पात्रा चौल को पुनर्विकसित करने का काम मिला। इसके तहत मुंबई के गोरेगांव में 47 एकड़ में पात्रा चौल में 672 किराएदारों के घरों को विकसित करना था। आरोप है कि गुरु आशीष कंस्ट्रक्शन कंपनी ने माडा को गुमराह किया और जमीन 9 बिल्डरों को करीब 901.79 करोड़ रुपए में बेच दी। आरोप तो ये भी है कि बाद में गुरु आशीष कंस्ट्रक्शन कंपनी ने मीडोज के नाम से एक प्रोजेक्ट शुरू किया और घर खरीदारों से 138 करोड़ रुपए जुटाए। जांच में सामने आया कि कंस्ट्रक्शन कंपनी ने गैर कानूनी तरीके से करीब 1034 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई की। आगे चलकर उसने गैर कानूनी तरीके से ही इस रकम को अपने सहयोगियों को ट्रांसफर कर दिया और इसके बाद संजय राउत और उनकी पत्नी वर्षा का नाम इस लैंड स्कैम में आया। और संजय राउत की गिरफ्तारी पर अब महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे का सामने आ गया है बयान। उन्होंने कहा कि भले ही संजय राउत ने बार बार अपनी आलोचना की हो, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे, हम उनकी आलोचना का जवाब अपने काम से देंगे। तो ये महाराष्ट्र के सीएम का बयान, जिस पे एकनाथ शिंदे कहते हैं कि जिस तरह से वो आलोचना कर रहे थे, हम उनकी आलोचना ही नहीं करेंगे, हम काम करके दिखाएंगे, हमारा विश्वास आलोचना करने में नहीं है। आम्हाला पण जेलमध्ये घालायचा विचार केला होता, आमची देखील खूप बदनामी केली, ठीक आहे, पण आम्ही ते विसरून गेलो। आम्ही या सर्वांना मी आज अगोदरच सांगितलं की आम्ही कुठल्याही पातळीवर, खालच्या पातळीवर समोरच्याने आरोप केले म्हणून आम्ही करणार नाही, आम्ही त्यांना कामातून उत्तर देऊ। जिस तरीके से ईडी ने संजय राउत के घर पर दबिश दी है और इस मामले में उनकी पत्नी और दोस्तों के नाम सामने आ रहे हैं, ईडी के मुताबिक गुरु आशीष कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हाउसिंग डेवलपमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड यानी HDIL की जो सिस्टर कंपनी है, जांच में सामने आया है कि HDIL ने करीब 100 करोड़ रुपए प्रवीण राउत के खाते में जमा कराए हैं। प्रवीण राउत को संजय राउत का दोस्त माना जाता है। आरोप है कि साल 2010 में प्रवीण राउत की पत्नी माधुरी ने संजय राउत की पत्नी वर्षा राउत के खाते में 83 लाख रुपए ट्रांसफर किए थे और इस पैसे से वर्षा राउत ने दादर में एक फ्लैट खरीदा था। ईडी की जांच शुरू हुई तो वर्षा राउत ने 55 लाख रुपए वापस माधुरी के खाते में जमा कराए, ये भी जानकारियां सामने आई। संजय राउत की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। मुंबई के वकोला पुलिस स्टेशन में राउत के खिलाफ एक FIR दर्ज की गई है। पात्रा चौल मामले में ये जुड़ी हुई जानकारी, जिसमें एक महिला ने राउत पर धमकी देने का आरोप लगाया है। तो एक नया केस आप ये समझिए सामने आ रहा है, संजय राउत की मुश्किलें किस तरह से और बढ़ेंगी आने वाले दिनों में, क्योंकि मुंबई के वकोला पुलिस स्टेशन में राउत के खिलाफ एक FIR दर्ज की है। पात्रा चौल मामले में
जुड़ी हुई महिला ने राउत पर धमकी देने का आरोप लगाया है। अब ये डिटेल्स देखनी पड़ेंगे कि ये धमकी किस तरह की बातें सामने आ रही है, क्या उसको धमकी दी गई है और क्या किसी तरह का लेन देन जिसे छुपाने की कोशिश संजय राउत की तरफ से की जा रही है। इन तमाम पहलुओं पर तफ्तीश जरूर की